व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारी कमेटी होती हैं पार्लियामेंट का काम को हल्का करने के लिए। पार्लियामेंट के तीन पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और बात की जाए यहाँ पर प्रेसिडेंट। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, थोड़ा याद रखिएगा। अगर बात करें यहाँ पर पार्लियामेंट के बारे में, तो पार्लियामेंट में बहुत सारे काम होते हैं, तो किस तरीके से पार्लियामेंट का बर्डन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का बर्डन कम किया जाए, उसके लिए बहुत सारी कमेटी आप लोगों के सामने यहाँ पर नजर आएंगी। ये कमेटी अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड होती है, अलग अलग इनको काम दिए जाते हैं ताकि पार्लियामेंट के ऊपर कोई बर्डन न पड़े और अगर कोई बिल यहाँ पर पार्लियामेंट में आ रहा है वो एक अच्छा एक्ट बन सके, उसको प्रॉपर वे में एनालाइज किया जाता है, स्क्रूटनी की जाती है उसकी, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है उनको रेक्टिफाई किया जाता है, इसलिए बहुत सारी कमेटी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर मोटा मोटा यहाँ पर मैं बात करूं, कमेटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक हो गया स्टैंडिंग कमेटी और दूसरी हो गया एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी आप लोगों को देखने को मिलेंगी, एक तरीके की परमानेंट कमेटी है, मतलब ये वो कमेटी है जो आप लोगों को हर साल दिखाई देंगी और हर साल बनाई जाती है, ये उस तरीके की कमेटी आप लोगों के सामने नजर आएंगी। पर जब बात करते हैं एडहॉक कमेटी की, एडहॉक कमेटी आप लोगों को वो कमेटी नजर आएंगी जो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाई जाती है, और जब वो पर्पज सोल्व हो जाता है तो ये कमेटी खत्म हो जाती है वहीं पर ही, जब ये पर्पज खत्म हो जाता है, प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन निकल जाता है। पर लेकिन ये आप लोगों को हर साल नजर आएंगी, इसलिए इनको परमानेंट कमेटी बोला जाता है, और ये आप लोगों को परमानेंट कमेटी नहीं नजर आएगी, एक ओकेजनली नजर आएंगी, तो इसलिए इनको एडहॉक कमेटी बोला जाता है। पर दोनों का पर्पज यही होता है, किस तरीके से पार्लियामेंट के ऊपर हम लोगों को बर्डन कम करना है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये एक ओवरव्यू हो गया, अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं स्टैंडिंग कमेटी की। तो स्टैंडिंग कमेटी में जो इंपॉर्टेंट कमेटी है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों की कवर कर चुका हूं। वैसे मोटा मोटा अगर यहां पर देखूं तो स्टैंडिंग कमेटी को 6 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 6 पार्ट में से आप लोग देखेंगे, स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है यहां पर, ये है फाइनेंशियल कमेटी। और आप लोगों को पता है, पूरा अगर कोई इकोनॉमी चल रही है तो सबसे बड़ी बात होती है किस तरीके से वहां पर इकोनॉमी से रिलेटेड जो पैसे हैं, जो टैक्स है हमारा कलेक्ट हो रहा है, और वो टैक्स का हम लोग खर्चा कर रहे हैं किस तरीके से, मतलब टैक्स पेयर की जो मनी है उसको हम लोग ढंग से यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये मेन पर्पज आप लोगों के सामने निकल कर आता है। तो इसमें हम लोगों ने देखा, फर्स्ट थी यहाँ पर पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये कमेटी आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी में बोलना चाहूंगा यहाँ पर। ये कमेटी को आप लोग सबसे ऊपर रखिएगा, और मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को अगर देखने को मिलेंगे, ये स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है ना फाइनेंशियल कमेटी, इसी में से ही आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। फिर दूसरे नंबर पे आप लोगों को देखने को मिलेगी ये डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। तो ये जो कमेटी है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। पब्लिक अकाउंट कमेटी हम लोगों ने देखा किस तरीके से बनाई जाती है, लोकसभा राज्यसभा कितनी कितनी सीटें होती हैं। सेकंड हम लोगों ने देखा एस्टीमेट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी के बारे में हम लोगों ने इसी तरीके से जाना। थर्ड हम लोगों ने देखा कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ये भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस की। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट पे अगर पहुंचू, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी 24 कमेटी हम लोगों ने देखी, और देखा दोनों पार्ट की कमेटी होती है यहाँ पर, राज्यसभा की भी और लोकसभा की भी। राज्यसभा में हम लोगों ने देखा कितनी कमेटी होती थी, 8 कमेटी होती थी, और लोकसभा की बच गई 16 कमेटी। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी इस तरीके से यहाँ पर डिवाइड होती थी लोकसभा और राज्यसभा के बीच में। ये भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया, इनका काम क्या क्या होता था, वो सारे लेक्चर आप लोग जाकर देख सकते हैं। सब लेक्चर के लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएंगे, कोई नए स्टूडेंट है तो जाकर वो लेक्चर देख सकता है। अब आगे हम लोग चलने वाले हैं जो बची हुई कमेटी बन गई, पर लेकिन ये कमेटी इतनी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है जितनी डिटेल में मैंने अलग अलग इनको लेक्चर लेके डिस्कस किया है। ये कमेटी आप लोगों को यहां पर आप लोगों को इसी लेक्चर में मैं बताऊंगा कंप्लीट, और यहां ओवरव्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कमेटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अगर अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है, देखिए काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं एग्जाम के ओरिएंटेशन से। मोटा मोटा आप लोगों को ये 4 कमेटी जो ऊपर की हो गई, फाइनेंशियल कमेटी की 3 कमेटी और डिपार्टमेंटल कमेटी की ये 24 कमेटी, ये जो ऊपर वाली ये 4 पॉइंट हो गए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं आप लोगों से कि चेयरमैन कैसे चुना जाता है, कौन कौन सा पार्ट होता है, लोकसभा से कौन होता है, राज्यसभा से कौन होता है, मिनिस्टर पार्ट होता है कि नहीं होता है, तो कितने टाइम के लिए कमेटी यहां पर आप लोगों को देखने को मिला, कमेटी को यहां पर बनाया जाता है, इलेक्टेड होती है, नॉमिनेटेड होती है, वो सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पर लेकिन अब जो बात करने वाले हैं, ये कमेटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, कमेटी छोटी छोटी कमेटी है पर लेकिन इंपॉर्टेंट है अपने अगर काम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से ज्यादा कोई नहीं पूछेगा क्योंकि ये बहुत लार्ज स्केल में होती है। बात की जाती है कमेटी टू इंक्वायर, ठीक है ना, इंक्वायरी जो की जाती है तो उसके बारे में बात की जाती है। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 3 पार्ट में ये डिवाइड की जाती है। फर्स्ट आप लोगों को कमेटी ऑन पिटीशंस देखने को मिलेगा, सेकंड नंबर कमेटी ऑन प्रिविलेज देखने को मिलेगा, और थर्ड नंबर पर एथिक्स कमेटी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कमेटी ऑन इंक्वायरी आप लोग यहां पर 3 पोर्शन में डिवाइड होती हुई यहां पर नजर आएंगी। तो फर्स्ट कमेटी की बात करें यहां पर, इसके अंदर ये है पिटीशन कमेटी। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो भी यहां पर बिल आते हैं,
ठीक है। तो जब पार्लियामेंट में बिल आते हैं तो बिल के लिए अगर कोई पिटिशन आई है तो उसके बारे में इंक्वायरी करती है, ठीक है। तो आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए इसके अंदर टोटल 25 मेंबर होते हैं, 15 मेंबर तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये किसके अंदर से होते हैं, लोकसभा के अंदर से, और 10 मेंबर होते हैं राज्यसभा के अंदर से। तो ये इसके बारे में है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा पिटिशन कमेटी। नेक्स्ट कमेटी है यहाँ पर प्रिविलेज से रिलेटेड, बहुत सारे फायदे दिए जाते हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, पर कई बार वो उनको ब्रीच कर देते हैं, मतलब उनको एंजॉय करने के साथ साथ में उनको वायलेट भी करते हैं। तो इसकी इंक्वायरी करने के लिए भी यहाँ पर कमेटी होती है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा टोटल होते हैं 25 मेंबर। 25 मेंबर में से आप लोगों को देखने को मिलेगा 15 मेंबर होते हैं लोकसभा से और 10 मेंबर होते हैं यहाँ पर राज्यसभा से। तो राज्यसभा की बात कर लीजिए चाहे लोकसभा की बात कर लीजिए, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिनको हम सांसद बोलते हैं, जो हमारी संसद में आते हैं, तो उनके लिए अगर कोई भी उनको कोई अब जिनके प्रिविलेज होते हैं उनको ब्रीच कर रहे हैं तो उसकी इंक्वायरी करने के लिए आप लोग यहाँ पर नजर आएगी प्रिविलेज कमिटीज। तो इसके बारे में थोड़ा आप लोग को आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट कमेटी का नाम लिया गया यहाँ पर, यह है एथिक्स कमेटी। मतलब अगर आप लोग कोई ढंग का काम नहीं कर रहे हैं पार्लियामेंट में, अगर आप लोग बैठे हुए हैं और पार्लियामेंट में आप लोग डिसिप्लिन में नहीं है, उल्टी सीधी हरकतें ज्यादा कर रहे हैं वहां पर, तो उसके लिए भी यहां पर कमेटी है, मतलब पार्लियामेंट में डिसिप्लिन बनाने के लिए। वो अलग बात है कि वहां पर चेयर फेंकते हुए एक दूसरे को यहां पर खींचते तानते हुए नजर आते हैं, जो आप लोगों ने राज्यसभा टीवी वगैरह लोकसभा टीवी में देखा होगा, वो दूसरी बात है, पर लेकिन इसके लिए कमेटी है। और ये कमेटी जो है स्टार्टिंग से आप लोगों को नजर नहीं आएगी, ये कमेटी जो यहां पर आप लोगों के सामने नजर आएगी ये 1997 में तो राज्यसभा में आ गई थी, क्योंकि राज्यसभा को पढ़ा लिखा हाउस माना जाता है, ज्यादा समझदार हाउस माना जाता है। और लोकसभा में 2000 में आई थी, ठीक है, लोकसभा में 2000 में आई थी ये, तो ये भी आप लोगों से कोई पूछ सकता है। ये कमेटी यहां पर इंक्वायरी करती है कि पार्लियामेंट में जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो हमारे सांसद है, वो ढंग से डिसिप्लिन में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, कोई उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उन सब बातों की ये इंक्वायरी करती है यहां पर नजर आएगी। तो ये तीन कमेटी होगी, इनके बारे में अगर कोई पूछे तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा तो ऊपर वाले इन चार पॉइंट से ही आप लोगों का क्वेश्चन आ जाएगा, इसको जाकर रिवीजन जरूर कीजिएगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, या तो इन चार से आएगा या फिर आप लोगों के सामने एडहॉक कमेटी के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये पोर्शन आप लोगों का ज्यादा है, आप लोगों का कवर होना चाहिए, बाकी का आप लोगों को बस पता होना चाहिए कि ऐसा भी कुछ है। ये ना लगे कि क्वेश्चन आ गया कि ये क्या है यार, ये तो कभी देखा ही नहीं है हम लोगों ने, ऐसा भी कुछ होता है। तो ऐसी आप लोगों की एकदम मतलब आप लोगों का ऐसा ना लगे कि हाँ ये भी कुछ है यार, ये तो हमको कभी पढ़ा ही नहीं है। तो मैं इसलिए इसको टच कर रहा हूं, वरना आप लोग किसी भी उसमें जाएंगे कोचिंग में, ये आप नॉर्मली स्किप कर देते हैं, बोल देते हैं जाकर किताब उठा के देख लेना, ये भी कमेटी है, दो तीन स्टार्टिंग की बताते हैं फिर उसको स्किप कर देते हैं। पर लेकिन मैं सोच रहा हूं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को इसके बारे में बता दूं, वरना कोई भी क्लास में आप लोग कहीं भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 4 नंबर की, ये कमिटी होती है स्क्रूटनी एंड द कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम लोग, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगी, 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है यहां पर इनको। तो यहां पर बात की जा रही है कमिटीज टू स्क्रूटनी एंड द कंट्रोल, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहली जो कमिटी है यहां पर, ये है कमिटी ऑन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, याद रखना, गवर्नमेंट एश्योरेंस, मतलब जो एश्योरेंस दिया जाता है, जो गवर्नमेंट की बात आती है तो कौन आएगा यहां पर, मिनिस्टर आएगा। तो मिनिस्टर जो प्रोमिस करते हैं, मिनिस्टर जो बात बोलते हैं, ये काम हो रहे हैं, वो सब चीजें बोल रही हैं, जो भी यहां पर बातें बोली जाती हैं उसकी स्क्रूटनी करने का काम करती हैं। यहां पर टोटल आप लोगों को देखने को मिलेगा 25 मेंबर होते हैं, 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं और 10 मेंबर राज्यसभा से होते हैं। और आप लोगों को ये देखने को मिलेगा 1953 में इसका गठन किया गया था स्टार्टिंग से ही, कि यहां पर जो बातें बोली जा रही हैं वो यहां पर सही भी हैं गलत हैं, ठीक है। तो उसका एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा स्क्रूटनी की जाती है इस कमेटी के द्वारा, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये कमेटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, यहाँ पर बोला गया है सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन, मतलब जो लेजिस्लेट जो यहाँ पर लॉ बनाए जाते हैं, बिल आने के बाद में जो एक्ट बनते हैं, हमारी पार्लियामेंट में आते हैं, वो पार्लियामेंट में आते हैं, पर लेकिन यहाँ पर चेक किया जाता है कि जो ये लॉ यहाँ पर आ रहे हैं पार्लियामेंट में, ये जो एक्ट बनाए जा रहे हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि नहीं है, तो ये चेक किया जाता है इस कमेटी के द्वारा। ये कमेटी भी आप लोगों को 1953 में नजर आएगी, और इस कमेटी, ये कमेटी दोनों ही हाउसेज में होती है, लोकसभा में अलग होती है और राज्यसभा में अलग होती है, ठीक है। और दोनों ही कमेटी में आप लोगों को 15-15 मेंबर नजर आएंगे। फिर से बोल रहा हूं, रटना बिल्कुल भी नहीं है, बस एक बार आप लोगों को हल्का सा पता होना चाहिए कि ये काम क्या कर रही है, बस मेंबर मत रटिएगा, मेंबर स्टार्टिंग वाली जो कमेटी बताइए उनके रट लीजिएगा, यहां पर आप लोगों से कोई मेंबर नहीं पूछने वाला है, ठीक है, जब तक कोई न्यूज में न हो। अगर कोई न्यूज में इनमें से कोई कमेटी आ रही है तो आप लोगों का उसको जाकर थोड़ा पूछ सकता है, वरना आप लोगों से कोई इसके बारे में कुछ नहीं पूछने वाला है। बस ज्यादा से ज्यादा काम पूछ सकता है कि ये काम किस कमेटी के द्वारा किया जाता है, जो मैं आप लोगों को बता के साथ साथ में चल रहा हूं, ठीक है। वरना मेंबर कब हुए, कब गठन किए गए, इतनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप लोगों से कोई नहीं पूछने वाला है। ये सारी बात आप लोगों से स्टार्टिंग की कमेटी के बारे में पूछ सकते हैं, ना कि इन कमेटी के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग इस पे अपना जो माइंड है वो क्लियर रखिएगा, माइंड में कोई कंफ्यूजन इससे रिलेटेड आपके माइंड में नहीं होना चाहिए।
सॉरी थोड़ी गलती हो गई, एक बार हल्का सा इसको सुन लीजिए, ये आप लोगों का थोड़ा सा ये थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, हल्का सा एक बार इस पर ध्यान दे लीजिए। ये मैं आप लोगों को बताया ना 25 मेंबर, ये यहाँ पर गलत, ठीक है ना, इसको थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा। ये बात की गई यहाँ पर 15 मेंबर, ये मतलब अलग अलग कमेटी है दोनों, लोकसभा की अलग कमेटी है और राज्यसभा की अलग कमेटी है। लोकसभा की बात करें तो 15 मेंबर आप लोगों को लोकसभा में नजर आएंगे और जो कमेटी राज्यसभा में होगी उसमें 10 मेंबर नजर आएंगे, ठीक है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया यहाँ पर, मैंने आप लोगों को बताया कि टोटल यहाँ पर एक सिंगल कमेटी नहीं है, ये अलग अलग कमेटी है, मतलब 25 मेंबर नहीं है, टोटल 25 मेंबर है पर लेकिन कमेटी अलग अलग है। 15 मेंबर की कमेटी होती है लोकसभा की और 10 मेंबर की कमेटी होती है राज्यसभा की, और सारी इसी तरीके से ये, ठीक है, इकट्ठे मेंबर नहीं है यहां पर, ये अलग अलग कमेटी है, ठीक है। मैं थोड़ा कंफ्यूज रहा था, जिस तरीके से हमने ऊपर वाली कमेटी डिस्कस की थी ना, तो मेरे माइंड में थोड़ा वही चला हुआ आ रहा था। ऊपर वाली जो कमेटी हुआ करती थी वहां पर जो मेंबर हुआ करते थे वो इसी तरीके से हुआ करते थे, मतलब कुछ लोकसभा से उठा लिए और कुछ राज्यसभा से उठा लिए और फिर उनको क्या किया जाता था, उनको मिक्स करके हम लोग आगे बढ़ के चला करते थे। चलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसी बहाने हो सकता है आपके माइंड में भी ये कन्फ्यूजन आ सकता था, पर लेकिन अब मेरे माइंड में आ गया तो कम से कम आपके माइंड में कभी ये फ्यूचर में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। जब भी आप लोग पढ़ेंगे आप लोग इसको क्लियरली देखेंगे, वहां पर ऊपर वाली जो कमेटी है वहां पर वो इकट्ठी कमेटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, मतलब लोकसभा से भी मेंबर आएंगे और राज्यसभा से भी मेंबर आएंगे तो वो इकट्ठे होकर यहाँ पर कमेटी आप लोगों के सामने नजर आएगी। पर जब बात करेंगे नीचे वाली कमेटी की, यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग मेंबर देखने को मिलेंगे। 15 मेंबर की कमेटी यहाँ पर हो गई लोकसभा की, 10 मेंबर की कमेटी हो गई यहाँ पर राज्यसभा की, जिस तरीके से मैंने आगे डिस्कस किया ये बिल्कुल ऐसी है, ठीक है, यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यही बात आप लोग यहाँ पर एश्योरेंस कमेटी में देखने को मिलेगी, मतलब कमेटी अलग अलग है, ये मैंने आप लोगों को मिक्स कर दिया बिल्कुल, जैसे पहले कमेटी में पढ़ा रहा था उसी के फ्लो फ्लो में आप लोगों को पढ़ाता चला गया। पर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना इसके बारे में, कमेटी यहाँ पर अलग अलग है, राज्यसभा की अलग कमेटी है, लोकसभा की अलग कमेटी है, स्क्रूटनी करने के लिए दोनों बात अलग अलग है यहाँ पर। आई होप कि आप अभी अब कभी भी इसके बीच में कंफ्यूज नहीं होंगे और आगे भी आप लोगों को इसी तरीके से देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इस वाली जब कमेटी की बात करूंगा तो ये कमेटी इकट्ठी है लोकसभा और राज्यसभा के लिए इकट्ठी है और ये कमेटी अलग अलग है, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला था कि जो स्टार्टिंग की चार कमेटी मैंने आप लोगों को पढ़ाई है उनको डिटेल में देखिए, इनके अंदर आप लोगों को मेंबर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इतना ज्यादा ना तो आप लोगों से कोई पूछेगा और ना ही आप लोग इतना ज्यादा यहाँ पर याद रख पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं सी वाली कमेटी, जो यहाँ पर ये कमेटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल, और पार्लियामेंट में आप लोगों को जब भी यहाँ पर जब बात कर ले राज्यसभा की चाहे बात कर लीजिए लोकसभा की तो बहुत सारे आप लोगों को देखने को मिलेगा अलग अलग तरीके की यहाँ पर रिपोर्ट्स होती हैं, अलग अलग तरीके के लेजिस्लेशन की बात होती है, तो जितने भी पेपर आते हैं यहाँ पर टेबल में पार्लियामेंट में तो उनके बारे में बात की जाती है, ये यहाँ पर देखती है उनको। तो 1975 में यहाँ पर इसका गठन किया गया था और 15 मेंबर आप लोग जो 15 मेंबर की कमेटी देखने को मिलेगी वो लोकसभा से और 10 मेंबर की कमेटी देखने को मिलेगी राज्यसभा से, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। पर लेकिन जब बात करते हैं इस वाली कमेटी की तो फिर से आके ये कमेटी इकट्ठी हो गई, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग की कमेटी डिस्कस की थी, मतलब यहाँ पर आप लोग कमेटी देखने को मिलेगी राज्यसभा और लोकसभा की एक ही कमेटी देखने को मिलेगी, यहाँ पर अलग अलग कमेटी यहाँ पर आप लोगों को नहीं नजर आएगी। ये दो काम इंपॉर्टेंट करती है, पहला काम क्या है, पहला काम ये है जब भी यहाँ पर बात आती है जो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब की रिपोर्ट के बारे में, तो आप लोगों को पता है पार्लियामेंट के सामने जाती है वो रिपोर्ट, तो उन रिपोर्ट की स्क्रूटनी करती है। इसके अलावा जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड जो भी राइट दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमारे संविधान के द्वारा उनको देखती है कि ये प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, तो ये भी आप लोगों के सामने यहाँ पर नजर आती है। तो दोनों ही बातें यहाँ पर देखती है। इस कमेटी में आप लोगों को टोटल नंबर मेंबर नजर आएंगे 30, तो 30 मेंबर नजर आएंगे, सिंगल कमेटी है फिर से बोल रहा हूं, 30 मेंबर आप लोगों के सामने यहां पर नजर आएंगे जो कि लोकसभा से भी रहेंगे और राज्यसभा से भी रहेंगे, अलग अलग कमेटी ये नहीं है। अब किससे कितने कितने मेंबर हैं, लोकसभा से आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर 20 मेंबर नजर आएंगे और राज्यसभा से आप लोगों को 10 मेंबर नजर आएंगे, तो देखिए ये सही कुछ ना कुछ सही हो गया यहां पर, कम से कम अब आप लोगों के माइंड में भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, रटनी नहीं है, फिर से बोल रहा हूं कमेटी, बस उनके काम जरूर याद रख सकते हैं आप लोग, स्टार्टिंग वाली कमेटी डिटेल में याद रखिएगा, जो चार कमेटी मैंने स्टार्टिंग में समझाई थी, ठीक है, उनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं यहां पर कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, तो ये भी एक कमेटी है हमारी यहां पर पार्लियामेंट में, इसका गठन यहाँ पर किया गया था 1997 में आप लोगों को देखने को मिलेगा और ये भी बिल्कुल ऐसी जैसे ऊपर वाली कमेटी है, तो जो वुमेन कमीशन है उससे रिलेटेड अगर कोई भी रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट की जाती है ये उसको एग्जामिन करती है। टोटल 30 मेंबर है यहाँ पर, 20 यहाँ पर हो गए लोकसभा से और 10 हो गए राज्यसभा से, फिर बोल रहा हूं ये सिंगल कमेटी है राज्यसभा और लोकसभा के लिए, और ये ऊपर बता रहा था मैं ये अलग अलग कमेटी है, लोकसभा के लिए अलग और लोकसभा के लिए अलग, ओके, तो ये बात थोड़ा याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट कमेटी यहाँ पर आप लोगों के सामने नजर आएगी, ये भी सिंगल ही कमेटी है, अलग अलग कमेटी नहीं है राज्यसभा और लोकसभा की, यहाँ पर टोटल 15 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 10 मेंबर लोकसभा से और 5 मेंबर राज्यसभा से। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट चेक करती है कि कोई यहाँ पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर तो नहीं बैठा हुआ है, मतलब एक तो यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पद लिए बैठा है, ऊपर से साइड में कोई अलग से बिजनेस तो नहीं चल रहा है जिसमें उसको गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन के हिसाब से न हो, तो उसको ये चेक यहाँ पर करती नजर आती है। ये ज्वाइंट कमेटी है, बिल्कुल एक ही कमेटी आप लोगों को देखने को मिलेगी पूरी पार्लियामेंट की,
तो मतलब यहां पर ये इकट्ठी कमेटी है, अलग अलग कमेटी नहीं है। तो ये चार, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा पॉइंट चार की जो कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी जो चार नंबर की है, उसमें छह कमेटी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करी। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, पांचवें नंबर की कमेटी देखते हैं, स्टैंडिंग कमेटी। ये कमेटी थोड़ा आप लोग याद रखिएगा, इसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। पहली, ये कमेटी का नाम देख लीजिए आप लोग, कमेटी रिलेटेड टू डे बिजनेस जो होते हैं पार्लियामेंट में, मतलब पार्लियामेंट में जो पूरा वर्किंग प्रोसीजर चलता है, वहां पर जब वहां पर बिल आता है उसमें किस तरीके से उसको निकाला जाना है, किस तरीके से डिस्कशन होना है, तो वो सारी बातें आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। पहले नंबर की कमेटी है यहां पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, मतलब ये वो वाला बिजनेस नहीं है, व्यापार वाला। पार्लियामेंट का जो बिजनेस होता है, मतलब पार्लियामेंट की जो वर्किंग होती है वो किस तरीके से चलती है, तो यहां पर आप लोगों को दोनों कमेटी अलग अलग नजर आएगी, राज्यसभा की अलग नजर आएगी और लोकसभा की नजर अलग आएगी। बात करते हैं पहले लोकसभा की, लोकसभा की कमेटी में आप लोग यहां पर 15 मेंबर देखने को मिलेंगे और स्पीकर जो है एज ए चेयरमैन यहां पर नजर आएगा, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। राज्यसभा की जब बात करते हैं, यहां पर आप लोगों को 11 मेंबर नजर आएंगे इस कमेटी में, और यहां पर राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो इसका चेयरमैन नजर आएगा, ठीक है। तो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो राज्यसभा का है, वो चेयरमैन यहां पर नजर आएगा। किस तरीके से वर्किंग चलनी है, किस तरीके से बिजनेस चलना है राज्यसभा के अंदर, और किस तरीके से वर्किंग और बिजनेस चलना है लोकसभा के अंदर, ये कमेटी आप लोगों के सामने यहां पर नजर आएगी। तो ये कमेटी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब बात आती है पार्लियामेंट के बिजनेस के बारे में। अलग अलग कमेटी है, इकट्ठी कमेटी नहीं है। राज्यसभा की कमेटी के 11 मेंबर है इंक्लूडिंग चेयरमैन, चेयरमैन कौन होता है एक्स ऑफिशियल चेयरमैन। लोकसभा की कमेटी में 15 मेंबर है इंक्लूडिंग स्पीकर एज ए चेयरमैन, तो थोड़ा याद रखिएगा, ओके। नीचे वाली कमेटी थोड़ी डिफरेंट है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल एंड द रिजोल्यूशन। प्राइवेट मेंबर बिल वो बिल होता है जो यहां पर अदर देन मिनिस्टर लेके आता है, तो नॉर्मली अपोजिशन वाले ही लेकर आएंगे, क्योंकि जो अगर गवर्नमेंट की बात आती है तो गवर्नमेंट का अगर कोई बिल लेकर आता है वो हमेशा मिनिस्टर लेकर आएगा, पर लेकिन अगर अदर देन मिनिस्टर लेकर आ रहा है उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोलेंगे। तो प्राइवेट मेंबर बिल की स्क्रूटनी करना, देखना किस तरीके से क्या क्या उसके बारे में पूरा प्रोसीजर यहां पर स्टेब्लिश करना, ये इस कमिटी के अंडर में आता है। इंपोर्टेंट क्यों बोला, इंपोर्टेंट इसलिए बोला, इस तरीके की कोई भी कमेटी आप लोगों को राज्यसभा में देखने को नहीं मिलेगी। जी हाँ, फिर से बोल रहा हूं, ये कमेटी कोई भी राज्यसभा में देखने को नहीं मिलेगी, ये कमेटी ओनली लोकसभा में है, ठीक है। राज्यसभा में इस तरीके कोई कमेटी नहीं है, जो कमेटी ये काम लोकसभा में करती है, राज्यसभा में वो कमेटी ऊपर वाली कमेटी के द्वारा किया जाता है, जो मैंने आप लोगों को बताया, जिसमें 11 मेंबर होते हैं और चेयरमैन कौन होता है, राज्यसभा का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है। तो ये कमेटी थोड़ा याद रखेगा, इंपोर्टेंट हो जाती है। और इस कमेटी के बारे में अगर थोड़ा आगे भी बताना चाहूं मैं आप लोगों को, जो यहाँ पर प्राइवेट यहाँ पर जो मेंबर होते हैं इसके, जो यहाँ पर कमेटी सेटअप की जाती है, इसके जो मेंबर होते हैं, इनका जो चेयरमैन होता है वो डिप्टी स्पीकर होता है। जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा स्पीकर था, यहाँ पर डिप्टी स्पीकर होता है। तो टोटल 15 मेंबर होते हैं और यहां पर चेयरमैन कौन होता है, वो डिप्टी स्पीकर होता है। ऊपर वाली कमेटी के साथ में कंफ्यूज नहीं करना है। वहां पर 15 मेंबर होते हैं लोकसभा के लिए और 10 मेंबर, वो 11 मेंबर होते हैं राज्यसभा के लिए, और वहां पर चेयरमैन कौन होता है, स्पीकर, यहां पर डिप्टी स्पीकर। तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा डिफरेंट जब हो जाता है तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं कई बार। ये कमेटी भी थोड़ी डिफरेंट है। नेक्स्ट वाली है यहाँ पर रूल्स कमेटी। ये कमेटी भी थोड़ी डिफरेंट है। ये पहली एक कमेटी आप लोगों के सामने ऐसी नजर आएगी जिसमें लोकसभा से ज्यादा मेंबर इस कमेटी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर कोई यहाँ पर बिल निकल के आता है, उसमें चेंज करना होता है, उसमें अमेंडमेंट करना होता है, तो जो अमेंडमेंट रिकमेंड किए जाते हैं इस कमेटी के द्वारा, रिकमेंड किए जाते हैं रूल्स कमेटी के द्वारा, 15 मेंबर लोकसभा में देखने को मिलेंगे और राज्यसभा में 16 मेंबर देखने को मिलेंगे। ओनली अब तक जितनी कमेटी हम लोगों ने डिस्कस की है उनमें ओनली सिंगल कमेटी ऐसी है जहां पर राज्यसभा में ज्यादा मेंबर यहां पर है, ठीक है। यहां पर चेयरमैन, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन नजर कौन आएगा, लोकसभा का स्पीकर और यहां राज्यसभा का चेयरमैन। ये थोड़ा याद रखिएगा, 15 मेंबर है, 16 मेंबर है। तो अब तक जितनी कमेटी डिस्कस की है उनमें सबसे ज्यादा मेंबर आप लोगों को यहां पर देखने को मिले इस वाली कमेटी में, जो कि राज्यसभा के अंदर है 16 मेंबर और लोकसभा के अंदर है 15 मेंबर। तो ये कमेटी भी थोड़ी डिफरेंट है, इसके बारे में थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट कमेटी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को थोड़ा डिफरेंट नजर आएगी। इस वाली कमेटी की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर ये वाली कमेटी भी आप लोगों को राज्यसभा में नहीं नजर आएगी, लोकसभा में नजर आएगी। कौन कौन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां पर एब्सेंट है, अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 60 जो मीटिंग होती है उससे ज्यादा एब्सेंट रह जाते हैं यहां पर, मतलब 60 जो मीटिंग होती है लगभग, मतलब 7 दिन के लिए आप लोग बोल सकते हैं, 60 दिन के लिए जो यहां पर एब्सेंट रह जाते हैं और या फिर इससे ज्यादा है, और वो भी बिना परमिशन के। तो इस तरीके के मेंबर को यहां पर देखने के लिए कि कौन क्या काम कर रहा है, देखिए अगर यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं तो एक ड्यूटी होती है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वहां पर इनकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो इनकी रेस्पॉन्सिबल है डायरेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसलिए यहां पर ये कमेटी देखने को मिलेगी। पर लेकिन जो राज्यसभा की बात आती है वो सारा काम खुद हाउस अपने आप देखता है, उसके लिए कोई अलग से कमेटी नहीं है। बिकॉज कि आप लोगों को देखने को मिलेगा लोकसभा में बहुत सारे मेंबर होते हैं एज कंपेयर टू राज्यसभा, तो इसके लिए अलग से कमेटी यहां पर बना दी गई है। पर राज्यसभा का ये काम जो होता है वो हाउस अपने आप ही यहां पर टैकल कर लेता है, ना कि किसी कमेटी को ये काम सौंपा गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, चारों की चारों कमेटी यहां पर ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि थोड़ी डिफरेंट है, लीग से थोड़ी हटके है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट ये कमिटी बिल्कुल ऐसे है जिस तरीके से आप लोगों ने प्लानिंग कमीशन, जब मैं पढ़ा रहा था उस टाइम पर मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कि प्लानिंग कमीशन क्या काम करती थी स्टार्टिंग में। अगर किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर कोई काम नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई नया अगर मैटर निकल के आ रहा है, जैसे स्टार्टिंग में आप लोगों को आधार कार्ड देखने को मिला, वो स्टार्टिंग में प्लानिंग कमीशन के अंडर में हुआ करता था, पर लेकिन फिर उसके लिए अलग से यहां पर एक अरेंजमेंट की गई। इसी तरीके से अगर कोई किसी भी कमेटी के अंदर कोई काम यहां पर नहीं हो रहा है, मतलब आप लोगों को देखने को मिला किसी कमेटी के अंदर कवर नहीं किया गया, तो इस तरीके कमेटी यहां पर नजर आएगी। तो हाउस कीपिंग कमेटी और द सर्विस कमेटी आप लोग इनको बोल सकते हैं। कमेटी कंसर्न विद द जो प्रोविजन होते हैं, जो फैसिलिटी होती है, जो सर्विसेज मेंबर होते हैं, उनसे रिलेटेड देखने को मिलेगा। सबसे पहले जनरल पर्पज कमेटी, ये कमेटी आप लोगों के लिए ऐसी होगी कि अगर किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, किसी कमेटी के अंदर कोई मैटर कवर नहीं किया जा रहा है, तो वो मैटर आप लोग इस कमेटी के अंदर लाइए, ये कमेटी उसको कवर करके चलेगी यहां पर। तो जनरल पर्पज की इसलिए कमेटी यहां पर कोई भी काम यहां पर करेगी। ओके, नेक्स्ट कमेटी आप लोगों के सामने आएगी यहाँ पर हाउस कमेटी, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो हाउस हैं, खाने पीने का उनका ध्यान रखा जाएगा, क्या क्या उनके ढंग से उनको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है, सारे प्रिविलेज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं नहीं, तो उसके लिए भी यहाँ पर एक कमेटी है, उनको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा काम करते हैं वो, पूरी कंट्री के लिए लाभ बनाते हैं, एक पूरी कंट्री को किस तरीके से हम लोगों को चलाना है उसके लिए एक पाथ क्रिएट किया जाता है इनके द्वारा, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना है यहाँ पर भी आप लोग। इस तरीके की कमेटी भी है, पूछ लिया जाता है कई बार कि इस तरीके की कमेटी है या नहीं है, ठीक है, तो इस तरीके की कमेटी भी यहाँ पर अवेलेबल है देख रेख करने के लिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनकी। पार्लियामेंट की लाइब्रेरी की देखरेख करने के लिए भी आप लोग यहाँ पर कमेटी नजर आएगी, वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर चीजें ढंग से हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। 9 मेंबर टोटल देखने को मिलेंगे, 6 मेंबर यहाँ पर लोकसभा से और 3 मेंबर यहाँ पर राज्यसभा से, तो इसके लिए भी यहाँ पर एक कमेटी है। ज्वाइंट कमेटी जो सैलरी और अलाउंसेस होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, उनको देखने के लिए भी यहाँ पर एक कमेटी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सारी चीजें ढंग से हो रही है नहीं हो रही है, ये भी आप लोग यहाँ पर एक कमेटी नजर आएगी। 1954 में इसका गठन किया गया था, टोटल 15 मेंबर नजर आएंगे, 10 मेंबर आप लोगों को लोकसभा से देखने को मिलेंगे और 5 मेंबर राज्यसभा से देखने को मिलेंगे। फिर से बोल रहा हूं, रट रट के अगर इस तरीके से बैठेंगे तो माइंड ब्लास्ट हो जाएगा, रटना नहीं है, ठीक है, बस रखना है कि हाँ इस तरीके की भी कोई कमेटी एग्जिस्ट करती है। तो ये था टोटल हमारा आज का डिस्कशन, यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी में कंप्लीट कवर कर चुका हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को एडहॉक कमेटी के बारे में डिस्कस करूंगा, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी। ये आज का लेक्चर और पीछे वाले जो मैंने लेक्चर लिए हैं वो सारा मिलाकर स्टैंडिंग कमेटी आप लोग की कवर हो चुकी है, ठीक है, एक भी कमेटी यहाँ पर नहीं छुटी है, आप लोग निहार लीजिएगा जाकर किताब को। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा एडहॉक कमेटी के बारे में। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद तो डिसलाइक कीजिए, और अपने आसपास सफाई रखिए और देखिए पढ़ा दिया कीजिए किसी को अगर टाइम मिलता है थोड़ा सा, और चीजों को एंजॉय कीजिए जितना कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।